मनीष पंड्या जी, आपकी सोच क्या है जब आप इस इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े, त्रिवेदी इंस्टीट्यूट के साथ में? शुरू शुरू में ऐसा था कि मैं भी ऐसा सोच रहा था कि जब भी मुझे मैन पावर की ज़रूरत पड़े तो कोई कॉलेज में जाके जब कैंपस इंटरव्यू करते हैं बिल्कुल, तो जितने भी स्टूडेंट्स मिलते हैं वो उनका जो नॉलेज है वो बुक के रिलेटेड बड़ा अच्छा है, मीन्स दे नो द फील्ड्स। लेकिन जब आप फील्ड में आते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि वो नॉलेज वाली जो मशीन जो आपको स्कूल में पढ़ाई गई है, कॉलेज में पढ़ाई गई है, वो मशीन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया या कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया तो वो बनी बनाई मशीन, उसको बनाना नहीं है, उसको सुधारना है। हाँ। तब जाके वो, उसको कोई आइडिया नहीं, वो ये बता सकता है कि मशीन कैसे चलती है, वो ये बता सकता है कि मशीन कैसे बनती है, लेकिन वो टाइम पे ये बताने को उसको एक चैलेंज हो जाती है कि ये मशीन बिगड़ गई तो उसको वो बनी बनाई मशीन को मैं सुधारूं कैसे। तो वो एक लैक ऑफ नॉलेज है हर एक इंस्टीट्यूट में, मीन्स इंस्टीट्यूट के पास अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाने के लिए बहुत सारी बुक्स है, लेकिन वो हर एक मशीन को जोड़ना, हर एक मशीन को डिज़ाइन करना, हर एक मशीन को बनाना, चलाना, वो सब सिखा सकते हैं, लेकिन द एस्पेक्ट्स इज व्हाट कि भाई ये वो मशीन अगर बिगड़ गया या मशीन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसको बना बनाया कोई कॉलेज उसको बता नहीं सकता, जो उसको फील्ड में जाके पता लगेगा। और जब वो 3 साल के बाद वैसे प्रॉब्लम के सामने आएगा तो ये 3 साल में उसने ऐसा सीखा ही नहीं कि मशीन बिगड़ी तो उसको चलाऊं कैसे। और इंडस्ट्रीज को वो जरूरत है, इंडस्ट्रीज को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं कि जो मशीन बना ले, वो लोग तो ऑलरेडी बने बनाए हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी बन गई है। अभी हम एक प्रोग्रेसिव इंडिया में 50 साल आगे चल चुके हैं, तो बहुत सारी मीन्स जो टेक्नोलॉजी बन गई है, तो वो टेक्नोलॉजी बनने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन है फील्ड में उसको कैसे सुधारे, उसका नॉलेज देने के लिए जो एक कैपेबल बंदे जो हर एक कॉलेज में चाहिए, वैसे कॉलेज हायर नहीं कर सकती बिकॉज ऐसे लोग इजीली बाजार में नहीं है। और जैसे नॉलेज वाले लोग हैं वो या तो खुद का कर रहे हैं और या तो फील्ड में बहुत बिजी हैं जो ऐसा स्पेयर टाइम नहीं निकाल पा रहे। यहाँ पे ऐसा है कि कुल मिला के ये त्रिवेदी साहब की एक सफल कोशिश की वजह से कुल मिला के 50 लोग से ज्यादा जो इंडस्ट्रीज में ही है जिनके पास 30 साल से ज्यादा का ये प्रॉब्लम रिजोल्विंग एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस को लेके जब वो कोई क्लास में जाते हैं और उनको समझाते हैं तो उनको ये नहीं समझाते कि ये मशीन चलता कैसे है, सही बात, उनको ये समझाया जाता है कि ये मशीन में प्रॉब्लम क्या आएगा और जब ये प्रॉब्लम आएगा तो वो कैसे सॉल्व करेगा। मीन्स वो नॉलेज इतना क्रीम नॉलेज है कि जो आपको खुद हाथ काले करके ही आ सकता है, और वो नॉलेज कोई भी एक स्टूडेंट को 3 महीने में, मीन्स ये कोर्स का ड्यूरेशन 3 महीना है, जो ये 3 महीने में बड़ा टाइट शेड्यूल चलने वाला है, और वो 3 महीने में हर एक फील्ड के लोग आके उनको ये बताएंगे कि भाई ये मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और ये प्रॉब्लम्स को कैसे अटेंड किया जाए। तो ये एकेडमिक नॉलेज से बहुत ऊपर है, और एकेडमिक नॉलेज को इसके साथ शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज एकेडमिक इज द बेस एंड उसके ऊपर ये बिल्डिंग बन रही है। यानी हमारा यहाँ पर ऐसा है कि बेस बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार हो रहा है, तब फिर वो बेस जब कहते हैं ना कि पायो मजबूत होय ने तो ए बिल्डिंग बहुत टके, अने ए बिल्डिंग जारे बने ने त्यारे एनी स्ट्रॉंगनेस त्यारे ज खबर पड़े कि एनो पायो केटलो मजबूत छे, अने अहींया पायो मजबूत करवानी पूरी पूरी कोशिश त्रिवेदी इंस्टीट्यूट तरफ थी थई रही छे।